नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे नोएडा के गालीबाज शख्स की। दरअसल श्रीकांत त्यागी, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, उनकी मुश्किलें बढ़ने का खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक महिला के साथ अभद्रता से चर्चा में आए नोएडा के श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। शुक्रवार को गैंगस्टर केस में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने 3 नए और 6 पुराने केस की जानकारी कोर्ट को सौंपी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। उधर नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक सपा नेता ने अनु से बात की। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान अनु भी बात करते हुए भावुक हो गई। बुलेटिन में बात झांसी की, जहां पर एनजीटी के नियमों को ताक में रखते हुए अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। झांसी तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम धमनोड से एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन का कारोबार करने का मामला सामने आया। दरअसल खनिज विभाग की तरफ से 3 महीने के लिए निजी भूमि के पट्टे पर रेबड़ी की तरह बांट दिए गए, जिसके बाद बालू के सभी पट्टे सफेदपोश नेताओं या उनके सगे संबंधी चला रहे हैं, जिनमें अवैध तरीके से एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों के विपरीत खेतों में गहरे गहरे कुएंनुमा गड्ढे खोदकर उनमें से बालू का खनन किया जा रहा है, जबकि सरकारी निर्देशानुसार 0.7 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति दी गई है। इसमें जो भी अखबारों में प्रकाशित की जा रही हैं खबरें, उसके माध्यम उसको मैंने जो है खनिज अधिकारी जो हमारे जिला के हैं उनको अवगत करा दिया है और उनसे बोल भी दिया है कि इसके जल्द से जल्द जांच करा के अवगत कराएं। गांव वालों को दिक्कतें साहब, रास्ता बहुत गड्ढी हो रही और हमारे मंदिर का जो रास्ता है वहाँ भी हमारी स्थिति खराब है और जो मंदिर पे जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही। जो प्रसाद वरसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही, वाहन भी खड़ा कर लेते हैं रास्ते में। बुलेटिन में बात बरेली की, जहां पर नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट नजर आया, साथ ही साथ प्रशासन के अधिकारी भी लगातार सक्रिय हैं। बरेली में नशे के काले कारोबारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। इसी कड़ी में मीरगंज के मोहल्ला अंसारी के रहने वाले ड्रग माफिया कलुआ उफ शाहिद और उसकी पत्नी इमराना की करीब 9,19,54,000 की संपत्ति ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर नोटिस बोर्ड लगाकर जब्त की गई। दरअसल SSP बरेली के निर्देशन पर पुलिस ने अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति का ब्यौरा SSP और DM को सौंपा था। जांच के आधार पर ड्रग माफिया कलुआ उफ शाहिद और उसकी पत्नी इमराना के नाम जो चल अचल संपत्ति, मकान, दुकान, प्लॉट, व्यावसायिक भूमि, कृषि भूमि, वाहन और बैंक खातों पर कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़े बजवाकर नोटिस बोर्ड चस्पा कर सीज किया गया। थाना मीरगंज की पुलिस के द्वारा कुख्यात ड्रग माफिया कल्लू डॉन और शाहिद पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा उसके और उसके परिवार के द्वारा जो ड्रग से अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति थी उसका चिन्हीकरण किया गया था। इसके संदर्भ में उसकी 9.19 करोड़ की अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति चिन्हित की गई थी, जिसको आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अटैच किया गया है। आज क्षेत्राधिकारी मीरगंज और SDM मीरगंज के द्वारा उक्त जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कासगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से पुलिस को कई मात्रा में बाइकें बरामद हुई हैं। सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सरगनाहों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 बाइकें और 2 तमंचे कारतूस बरामद किए। ये बाइक चोर गैंग अंतर जनपदीय इलाकों में काफी सक्रिय थे। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक
BBGTS मूर्ति ने बताया कि जिले में लगातार बाइक चोर गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बाइक चोर गैंग का नेस्तनाबूत करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में कासगंज पुलिस ने 3 गिरोहों के सरगनाओं को गिरफ्तार कर 6 चोरी की बाइकें, 2 तमंचे कारतूसों के साथ बरामद किए हैं। फिलहाल तीनों को संबंध धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज कोतवाली कासगंज को एक बड़ी सफलता मिली है। एक कास मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग हो रही थी तो 3 अभियुक्त मिले हैं हमें। एक प्रद्युमन उर्फ अजय, पुत्र विजेंद्र यादव, ये जनपद एटा के रहने वाले हैं। मोहन पुत्र वीरपाल यादव, निगला चंदन थाना जयसपुर के जनपद एटा के हैं। देवेश पुत्र जय सिंह, नगला कटिल थाना पटियाली जनपद कासगंज के, इन तीनों का एक गिरोह है। और इनसे जब हमें पता चला तो ये एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उसके बाद जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई और इनके निशानदेही पर और 5 मोटरसाइकिल इन्होंने अलग अलग जगह पे जो इन्होंने चोरी की है वो सारे मोटरसाइकिल बरामद हुए। गाजियाबाद में 2024 के चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से भी समीक्षा बैठक की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपनी पहली बैठक गाजियाबाद से की। इस बैठक में उनके साथ प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए आज बैठक कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस बैठक में पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत समस्त कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। संगठन मंत्री जी ने की है और जो हमारे आगामी कार्यक्रम है उसकी चर्चा कार्यकर्ताओं से की है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक जीवंत संगठन है और हम एक विचारधारा के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अलग अलग विषयों पर अपने संगठनात्मक विषयों को नीचे पहुंचाने की चर्चा करते हैं। हम सरकार में हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है, तो सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं, सरकार के जो हमारे काम हैं, हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, जो हमने काम केंद्र की सरकार ने 8.5 सालों में और राज्य की सरकार ने 5.5 सालों में किए, उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। संभल में गन्ने के खेत में अचानक अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद अजगर को देखकर हर कोई दहशत में आ गया। संभल कोतवाली गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव गंगावास के नजदीक एक गन्ने के खेत में अजगर आ गया। गांव के नजदीक अजगर के आ जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। अजगर का वीडियो इंटरनेट पर भी अब वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अजगर के आ जाने से लोगों को खेतों में जाने में डर लग रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने लग गई। इस मामले को लेकर डिप्टी रेंजर नरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव गंगावास के जंगल में अजगर का गन्ने के खेत में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन ईक के खेत में लगभग 200 मीटर अंदर होने के कारण अजगर पकड़ में नहीं आया। उन्होंने बताया कि गंगावास गांव गंगा के किनारे बसा हुआ है, जहां बांध के किनारे उनके खेत में अजगर दिखा है। जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बुलेटिन में बात रामपुर की, जहां पर शिक्षकों की लापरवाही एक मासूम के लिए घातक बन गई। देश के पहले अमृत सरोवर का तमगा रामपुर को मिला है, जिसका उद्घाटन भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था, लेकिन अब ये अमृत सरोवर एक स्कूली छात्र की जिंदगी को निकल चुका है। दरअसल स्कूल स्टाफ बच्चों को अमृत सरोवर घुमाने ले गए, जहां पर शिक्षकों की लापरवाही से एक छात्र पानी में डूब गया, जिसके बाद घटना के 2.5 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक का शव काफी खोजबीन करके निकाला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 8 शिक्षकों के विरुद्ध परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करी है। अच्छा, मेरे ही पड़ोस के रहने वाले हैं ये लोग, मैं रिश्ते में चाचा ही हूँ उनका। स्कूल गया था आज बच्चे को मैडम तैराकी के लिए अमृत सरोवर लेके गई,
वहाँ बच्चा तैरना नहीं जानता था, जबरदस्ती मैम ने तालाब में उतार दिया, जिस कारण बच्चे की मौत हो। जब बच्चों ने बताया कि आपका बच्चा नहीं आया घर, वहाँ से पूछा गया मैम से बच्चा कहाँ है, बोली वो तो निकल के चला गया, ढूंढा इधर उधर ढूंढा, काफ़ी पूछा इधर उधर, पूछने के बाद में पता चला कि नहीं है। फिर उन्होंने बताया, दबाव डाला टीचर पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ढूंढो, तब जाके पता चला कि बच्चा वहाँ है। जी जी, फर्स्ट अमृत सरोवर है जी पटवाई का पहला। अब लापरवाही तो देखिए जी इसमें सभी की लग रही है, वहाँ पर गार्ड भी होना चाहिए, तैराकी भी होना चाहिए था, क्योंकि पहला अमृत सरोवर है। अब बच्चा डूबा किसकी लापरवाही, तो अब जाँच के बाद पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि लोगों की भी लापरवाही हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुलेटिन के बाद गाजियाबाद की। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये खबर है, सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। गाजियाबाद नगर निगम ने अब पूरी तैयारी कर ली है, जो भी लोग गाजियाबाद में कुत्ते को रखते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया, उन पर 5,000 का जुर्माना लग सकता है। दरअसल नगर निगम ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले वर्ष ही कवायद शुरू की, इसमें 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी तय की गई थी। इसमें कुत्ते पालने वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाए, लेकिन जो उम्मीद नगर निगम को थी उस तरह का रिस्पॉन्स कुत्ते पालने वाले लोगों ने नहीं दिखाया, जिसके वजह से रजिस्ट्रेशन की मात्रा भी बेहद कम दिखने लगी, जिसके बाद अब नगर निगम ने नियमों में बदलाव किया है। अब नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन फीस कम करते हुए मात्र 200 रुपये की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे हैं लोग हैं जो अपने कुत्तों को पालते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिसके बाद अब नगर निगम ने 1 सितंबर से उन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बुलेटिन में बात औरैया की, जहां पर जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ है, उन्हें बेल्ट से पीटा गया है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड से दिन दहाड़े डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली में तैनात डिप्टी कमिश्नर के अनुसार उनके छोटे भाई का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, उसकी पत्नी ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद विवाद के निपटारे के लिए वो आए हुए थे, जिसके बाद विवाद को निपटाकर डिप्टी कमिश्नर वापस लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी बेल्ट और डंडों से पिटाई की गई। फिलहाल जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अलीगढ़ में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना देहली गेट के नगला मसानी से एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह के मुताबिक घटना सुबह की बताई जा रही है। महिला की हत्या सुबह हुई थी, जिसमें कि सुबह किसी शख्स ने उनकी हत्या कर दी है। महिला का नाम शालू बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल थी। महिला शालू के 3 बच्चे हैं और पति महेश कुमार दिल्ली में काम करता है। घर वालों ने शालू के गंभीर घायल होने की सूचना पति को दी थी। महिला के पैरों में अंगूठे पर चोट के निशान है और गले पर भी निशान है। ऐसा लग रहा है कि दुपट्टे से किसी ने उसका गला घोटा है। इसके अलावा चेहरे पर भी चोट के निशान है। परिवार के सदस्य महेश ने बताया कि शालू की गला घोटकर हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। इलाके में चर्चा है कि अवैध संबंधों के चलते महिला की गला दबाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कन्नौज में जान हथेली पर रखकर छात्र सफर करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जो छात्र हैं वो बस की छत पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छिबरामऊ के सौरिक रोड पर से रोजाना सैकड़ों की तादाद में कई छात्र प्राइवेट बसों से मुफ्त में सफर करते दिखाई दिए। बात अगर सफर की होती तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छात्र मुफ्त सफर के नाम पर जान हथेली पर रखकर बस की छतों पर सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस दौरान विरोध करने पर बस चालक और कंडक्टर से भी मारपीट करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन छात्रों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया? किस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बस की छतों पर सवार होते हुए छात्र जो है अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं और नियम कानूनों को ताक पर रखकर सवारी करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।